ये दिनांक 17/3 की बात है, जिसमें कि हर्षित पांडे जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उसको फैज़ान ने कोऑर्डिनेट किया, उससे संपर्क किया कि मुझे फ़ोटोशूट कराना है। और फ़ोटोशूट सुपर कॉरिडोर जगह स्थान बताई, वहाँ पर उसके अपनी महिला मित्र के साथ गया था। और उसी बीच में 3 लड़के आते हैं और उसका मोबाइल कैमरा लेके चले जाते हैं। अच्छी नहीं, ये घटनाक्रम चला, कई एंगल से इस पर जाँच की जा रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहा, तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया था थाना गांधीनगर पे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ स्पष्ट हुई कि फैज़ान और उसका जो महिला मित्र है, उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की हुई थी। उनको आगे अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ पैसे की आवश्यकता थी, उन्होंने अपने 3 अन्य साथियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया और उनको बताया कि हम जब ये फ़ोटोशूट करा रहे होंगे तब आकर हमको भी चाटा मारना और संबंधित से भी कैमरा लेके चले जाए। ये सब कार्रवाई हुई। इंटरेस्टिंग इसमें ये रहा कि उस कैमरे को वापस से ओलेक्स पर अपलोड किया गया और बेचने की बात आई, और उसमें बड़ा स्पष्ट सा लिखा गया कि कैमरे का चार्जर नहीं, या कि फरियादी के साथ लगातार टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी और ये इनपुट मिलने के बाद में वह कैमरा भी प्रथम दृष्टा लगा कि ये वही वाला हो सकता है। फैजान को राउंड अप किया, पूछताछ करी, इस वारदात का खुलासा हुआ है। उस तरीके से 4 जो उसके साथी दाराने गिरफ्तार कर चुके हैं, फैजान जो मुख्य आरोपी है तथा उसके 3 अन्य साथी पुलिस की हिरासत में है। कैमरा भी इसमें जब्त कर लिया गया है। एक अन्य महिला मित्र जो फरार है, उसकी भी जल्दी गिरफ्तारी थाना पुलिस के द्वारा की जाएगी। एक बड़ी सफलता गांधीनगर पुलिस को प्राप्त हुई। ये बेसिकली अभी तक जो इनसे आया है, इनको पैसे की ज़रूरत थी, कुछ जन्मदिन मनाना था। जो पूछताछ में इनने बताया, स्वाभाविक के 25 मार्च का उसका था, तो उसका एक इंटेंशन था कि इसको बेच के हम पैसा ले लेंगे, और इसीलिए बहुत जल्दी इन लोगों ने इसको बेचने के लिए अपलोड भी किया। और लेकिन पुलिस और फरियादी के साथ लगातार इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और अन्य साइट्स भी तलाशी, और पुलिस को बहुत अच्छी सफलता मिली। लड़की का रोल इस कॉन्स्पिरेसी में है। जब उन लोगों ने पहले से ये योजना बना ली थी कि हम लोग इस तरीके का घटनाक्रम करेंगे, और पर लड़की उसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए गिरफ्तारी के बाद और पूछताछ की जाएगी। जैसा मैंने बताया था कि फरियादी और पुलिस घटना दिनांक से ही लगातार साथ में थे। कई चीज़ें, कई सीसी फुटेज भी चेक किए गए थे, और ये इनपुट मिला था कि ओएलएक्स साइट पर वो कैमरा, उस पर मेंशन किया गया है कि इसका चार्जर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ कैमरा। अच्छा, पीछे से लगेगा सबका।